कभी कभी आपका टाइम खत्म हो गया, आप कल आना, हम मांगा तो छोटा भाई। चैनल दिस इज सोनिया चौहान एंड ही इज पंकज चौहान माय हस्बैंड दोज हु डोंट नो अस इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट लाइक दिस वीडियो एंड आप टाइटल से ऑलरेडी गेस कर चुके हैं कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द गुड न्यूज द गुड न्यूज इज वी आर pregnant finally congratulations we are so happy obviously खुश होने वाली बात ही है so मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के सबको बताया जाए और अपनी happiness जो है सबके साथ share की जाए जो Indians होते हैं जो वो इतनी जल्दी नहीं बताते हैं starting में तो नहीं बताते but वैसे भी नहीं बताते हैं कि जब तो हो ना जाए नजर लग जाती है वो ज्यादा वो छुपा के रखते हैं बट मैंने कहा कि ठीक है ऐसा कुछ मैं मानती नहीं हूँ इन सब चीजों में खुशियाँ मुझे लगता है जितनी बाटो बढ़ती हैं और वैसे भी एक्चुअली क्या था ना मैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हूँ तो कुछ कुछ लोग ऐसे पर्सनली पूछे जा रहे थे क्योंकि मैं डांस वीडियो करती हूँ तो उसमें दिख जाता है थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है तो काफी लोगों ने मुझे ऐसे पूछने लग ही गए थे तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देती हूँ और सबके डाउट क्लियर कर ही देती हूँ कि यस एंड वी आर प्रेग्नेंट एंड या वी आर सो हैप्पी सो इफ यू वांट टू से समथिंग यस वी आर प्रेग्नेंट इसके अलावा आपका टाइम खत्म हो गया कल आना आदत हुई मतलब नहीं मुझे आदत नहीं है कैमरे के सामने आदत नहीं है बोलते तुम इतना हो वो कैमरा का थोड़ा सा फोबिया नहीं है थोड़ा शाय यू नो कोई नहीं मैं ही शुरुआत कर लेती हूँ एक्चुअली द जर्नी वाज नॉट दैट इजी और स्टार्टिंग में काफी कॉम्प्लिकेशंस थे और उससे ओवरकम किया मैंने और हम दोनों ने एक्चुअली एक दूसरे का सपोर्ट बन के वो चीजें दूर करी और बाय गॉड ग्रेस सब ठीक हो गया और उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी या फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी क्योंकि अभी मेरे को सब अच्छा अच्छा बोलना है पॉजिटिव ही बोलना है तो मैं कुछ नेगेटिव बातें नहीं करना चाह रही हूँ तो या वो जो स्टार्टिंग है जो 3 महीने थे वो बहुत क्रिटिकल थे तपस्या की हमने 5-6 महीने ऐसे लग रहा फिर जाके हमें रिजल्ट या फल मिला आज ही हम आए हैं हम एक स्टेकेशन के लिए गए थे और सेलिब्रेट करने के लिए गए थे क्योंकि हम अभी तक हमने सेलिब्रेट ही नहीं करा कि हमको खुशी हुई है क्योंकि वो एक हमारे लिए टेंशन सी थी स्टार्टिंग के 4 महीने तो और उसके बाद नॉर्मल होने में भी हमें टाइम लगा तो एंड दिस इज माई 3rd trimester तो मैंने सोचा कि अब जब सब कुछ स्टेबल सा हो गया है और सब कुछ सही सा लग रहा है तो व्हाई नॉट कि एक क्वालिटी टाइम बिताएं और हम दोनों बाहर गए दूर नहीं गए क्योंकि ट्रैवल अलाउड भी नहीं है मुझे तो आसपास ही गए और आसपास भी बिल्कुल पास पास में ही गए तो अच्छा भी लगा एक चेंज भी हो गया और एक दूसरे को हमने एक टाइम भी दिया जो घर में बैठ के नहीं दे पा रहे थे और बहुत अच्छा था मतलब आई रियली लव कि मैं दोबारा भी ऐसे ही करूँ क्योंकि मुझे पता है अभी जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी बेबी आ जाएगा तब भी कुछ टाइम तक मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मुझे लगता तब भी हम ऐसे छोटा सा आधे घंटे एक घंटे के डिस्टेंस में हम ऐसे जा सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं सो या वहाँ पर जाके हमने एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ करा पर्सनली क्योंकि वो हुआ ही नहीं था अब तक ऐसा वो फील ही नहीं आ रहा था कि हम प्रेग्नेंट है और हम खुश हैं तो बहुत अच्छा लगा तो आज मैंने सोचा कि जब खुश हैं तो एक वीडियो बना डालते हैं और ये खुशी सबके साथ शेयर करते हैं और या दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो तुम्हारी बारी अब मैं चाहती हूँ कि ये भी कुछ बोले क्योंकि सब ये बोलते हैं कि ये बोलते ही नहीं है और एक्चुअल लाइफ में ये ज्यादा बोलते हैं और मैं कम बोलती हूँ तो मैं पूरा मौका देना चाहूंगी कि आप पूरा पार्टिसिपेट करें एक्चुअली ऐसे बैठ के घर बैठ के मुझसे बोलना नहीं आता और पर्सनल लाइफ में बाहर चले
तो पर्सनल लाइफ मुझे बताना थोड़ा सा मैं पसंद कम करता हूँ, जैसे कभी बाहर घूमने आते तो मैं बोल लेता था, किसी जगह के बारे में बताना होता था, थोड़ा सा मैं रिजर्व कह लो, मैं थोड़ा सा कम, इस वजह से शायद मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो फीलिंग वो समझ सकते हैं बहुत से लोग, फीलिंग क्या होती है। कोई नहीं, नहीं बोलते हैं, इनके बदले मैं बोल देती हूँ। काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर जर्नी, और मुझे लगता है काफी लोग और काफी लेडीज ये इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही कॉमन होती है सबके साथ, बट जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी काफी लोगों को होते हैं, और जो मेरे साथ हुआ वो औरों के साथ भी हुआ होगा जरूर, और उससे ओवरकम करके और कैसे कैसे वो टाइम निकालना। एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा मैं, पहले लोग बोलते थे कि लड़का लड़की चाहिए, ध्यान उस पर होता था फोकस कि भी लड़का हो जाए लड़की हो जाए, फिर टाइम आया कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजीरियन, लोग कोशिश करने लगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करवाएं, शायद वो लोग नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, प्राइवेट वाले जानबूझ के करते थे, फिर एक ये टाइम चल रहा था। अब जो ये टाइम चल रहा है उसमें ये है कि डिलीवरी हो जाए, बच्चा ही हो जाए, 9 महीने अच्छे से अपना कंप्लीट करे और हेल्दी हो और वो मतलब दुनिया में आ जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ होगी। आज बहुत कॉमन हो गए हैं कॉम्प्लिकेशंस, बहुत कॉमन हो गए, हर दूसरे तीसरे बंदे में मिल रहे हैं, और डॉक्टर भी बड़ा वो हो गए हैं, और डॉक्टर ने हमें बड़ा डरा रखा था, वो सच था क्योंकि वो रिपोर्ट बता रही थी कि भाई ये चीज़ें हैं ऐसा है, और बिल्कुल वो जो चीज़ें बता रही थी वो चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल सही थी, और वो जब भी उन्होंने हमें बहुत से प्रिकॉशंस दिए थे कि भाई आपको आटा तक नहीं गूंदना है इनको, कि अच्छी चीज़ ये की कि पंकज ने स्टार्टिंग से ही हमने डॉक्टर कर लिया, जिस दिन से हमको पता चला, एक्चुअली पता भी क्या चला वो भी थोड़ा फनी था, कि मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ है, बट पहला टेस्ट किया नहीं निकला, दूसरा टेस्ट किया नहीं निकला, थर्ड टेस्ट में पंकज ने बोला कि थोड़ा लेट करो, एकदम से मत करो उठते ही, वो किया, उसमें हल्का सा एक दूसरी लाइन बहुत ही लाइट थी, पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता, फर्स्ट टाइम था सब कुछ, और हमें लगा केमिस्ट भी मैं जब लेने जाता था, मैं ही लेने जाता था कि इस बार ना ये वाला ट्राई कर, वो भी नया नया देता था, नया नया ये वाला, और चार बार हमने करा, इमेजिन वो 10 दिन में हमने 4 बार करा, और 4 बार ही ऐसा हुआ कि कन्फर्म ही नहीं था, तो वो पता ही नहीं चला खुश होना ही नहीं होना। उसके बाद ब्लड टेस्ट करा, उसमें भी निकला, लेकिन उसमें भी उसमें कुछ बता दिया था ना, ब्लड टेस्ट से पॉजिटिव निकला था, नहीं ब्लड टेस्ट पॉजिटिव निकला, फिर डॉक्टर से पता चला कि कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो जो टाइम पीरियड था वो ऐसे ही निकल गया, और वो खुश होने का मौका नहीं मिला हम दोनों को, एक दूसरे को कांग्रेस करने का मौका नहीं मिला, तो बट एक चीज ये भी है कि माता रानी की कृपा से हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हमने विदिन 6 मंथ हमने ट्राई किया, काफी चीजें शुरू शुरू में पता ही नहीं थी क्या करना होता है, और हो गया, और नवरात्रों में, लास्ट नवरात्रों में अक्टूबर में माता रानी से मांगा था और वो मुझे मिला, तो ऐसा लगा कि चमत्कार तो हो गया, मतलब मैंने माता रानी से आज तक बहुत कुछ मांगा ही नहीं, मतलब मांगा ही नहीं, जैसे पहले मांगा था पंकज को, उनसे शादी हो गई, और मांगा तो तो हाँ जो मांगा वो मिला है, एक पहले से एक कनेक्शन है मेरा माता के साथ, तो वो ऐसा लगा जैसे माता मेरी सुनती है और सुना मेरे माता रानी ने, तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड टू माता रानी कि ऐसे ही अपनी जो कृपा है मेरे पे और हमारे पे बरसाती रहे, और जिन जिन को प्रॉब्लम भी है, जो लोग काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ उन पे भी वो कृपा बरसाए और सब लोग ऐसे ही खुश रहें। कोरोना की न्यूज आने लगी थी, हम लोग भी रिलैक्स थे कि जो होगा कुछ आता है,
फिर एकदम से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया और हमारी सोसाइटी के अंदर केसेस निकले। उस वक्त ये था कि कहीं केसेस निकलते थे सबको पता है कि, तो फिर वो सोसाइटी सील या फिर वो घर सील या मोहल्ला वो सब सब सील कर देते थे। इन लोगों को एक छोटी सी कुछ इशू हुआ, हम लोग बाहर जाना चाह रहे थे मतलब डॉक्टर के पास जाना चाह रहे थे, तो सोसाइटी वालों ने कहा कि नहीं एम्बुलेंस बुलाओ, विदाउट एम्बुलेंस आप जा नहीं सकते बाहर। तो हम लोगों ने फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं, इस बहुत लोगों ने किया, सेलिब्रिटीज ने किया, कपिल शर्मा ने दो बच्चे पैदा कर दिए, बहुत लोगों ने उस दौरान बच्चे पैदा किए। एक्चुअली डिपेंड करता है लोगों ने क्या देखा कोविड में। मुझे लगता है दिल्ली में लोगों के लिए बहुत कॉमन था, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, लोग बाहर भी जा रहे थे घर पे भी आ रहे थे, लेकिन नोएडा में क्या था, सोसाइटीज थी है जो मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो हमारे लिए भी वो उतनी स्ट्रिक्ट थी और हमको बाहर जाना नहीं हो पा रहा था और हमको लग रहा था कि अब कैसे सरवाइव करेंगे। उस टाइम पे मुझे पहली बार मतलब उससे पहले मैं बहुत नेगेटिव थी कि मुझे नहीं करना है प्लान, मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं थी और मुझे लगता मैं फिजिकली भी नहीं थी, मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊंगी, बहुत नेगेटिव थी। मतलब मैं पंकज मुझे कन्विंस भी करते थे बट मुझे लगता था मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आई डोंट नो कितने लोग इसे रिलेट करते होंगे, लेकिन कोविड ने एक्चुअली काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाया। तो मुझे लगता कोविड ने ही मेरे दिमाग में डाला कि नहीं मतलब तुम दोनों क्या कर रहे हो अकेले घर में, बोर हो रहे हो, तुम्हारे कब तक ऐसे बैचलर वाली लाइफ जीते रहोगे। तो मुझे लगा कि नहीं दिस इज द टाइम कि हमको प्लान करना ही करना है। तो मैंने पंकज को बोला, बट पंकज उस टाइम पे बिल्कुल खिलाफ हो गए थे क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। और फिर उसके बाद वो साल हमने जाने दिया, मैंने भी अग्री किया क्योंकि मैंने भी वो सब देखा जो हो रहा था आसपास हमारे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर फिर मैंने सोचा कि जब क्योंकि लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया था, हमने भी सीख लिया था कि कैसे हैंडल करना है, और हमारे दो डोज भी हो ही गई थी ऑलमोस्ट, है ना, दो हो गई थी ना शायद सितंबर में दो डोज हो गई। हाँ, तो फिर हमें लगा कि डोज भी हो गई है और पता भी चल गया कि कैसे हैंडल करनी है चीजें, तो लेट्स प्लान नाउ। और सो एक्चुअली कैमरा की बैटरी खत्म हो गई थी, तो पंकज कुछ कह रहे थे कि मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग जैसे कोई भी चीज, खाना बनाना है, ड्राइविंग, कोई मशीन करना है, गूगल खोला, यूट्यूब खोला, देख लिया उसके हिसाब से। लेकिन हेल्थ इश्यूज के अंदर आप कभी गूगल मत करो, ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, किसी में भी, क्योंकि मैंने एक दो एग्जांपल पढ़ी, दो चार साइट देखी, ये सब देखा, किसी डॉक्टर का नाम देखा, वो सब बकवास है। डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिजिकली मिलो और तब उसके एडवाइस दो और उसे तब फॉलो करो, इसके थ्रू कभी नहीं। इतना ही बहुत है, हमने बता दिया कैसा था क्या था, बाकी मैं एक सीरीज टाइप से सोच रही करूँ, आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस करना चाहूंगी इन फ्यूचर, आई होप सो। यही बताना था सबको और वी नीड योर ब्लेसिंग एंड सबके आशीर्वाद चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और कुछ ही महीनों में हम पेरेंट्स बन जाएंगे दोनों। सो आपका बस ऐसा ही प्यार चाहिए, बस आप बरसाते रहो मेरी वीडियोस पे और अब तो हमारे बेबी बेबी। तो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, आगे वाली वीडियोस देखते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बनेंगी और जब 2 से 3 हो जाएंगे तब और भी अच्छी वीडियोस बनने वाली है इन फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड या बाय, चलो See you in my next video. Till then, take care, stay safe, be happy, don't forget to smile and bye. 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 I'm not going to do anything. मैं साथ देने के लिए हूँ, दोनों साथ दिस वीडियो बाहर निकालो, तो चल जाओ निकालो, लेकिन जुड़ चल नहीं, हम देखो ना परेशान हो गई हूँ मैं भाई साहब।